हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बनने वाली मठरी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मठरी है ये पूरी तरीके से गेहूं के आटे से बनाई है, इसमें हमने मैदा वगैरह से नहीं बनाई है। तो होली के लिए स्पेशल ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली हुई हैं और लेयर्स भी आपको दिख रही होंगी। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैंने आटा लिया है, ये पूरी तरीके से गेहूं का आटा है, एक बाउल भर के। और यहाँ मैंने थोड़ी सी सूजी ली है, ये 4 से 5 टेबल स्पून सूजी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले इस गेहूं के आटे को और सूजी को, दोनों ही चीज़ों को छान के रेडी कर लेते हैं। तो हम इसे एक बड़े बर्तन में छान लेंगे। तो देखिए, मैंने सूजी और गेहूं का आटा दोनों चीज़ों को छान लिया था और आपस में इस तरीके से एकदम से मिला लिया है सूजी को और गेहूं के आटे को। तो इसमें मिलाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो स्वाद के लिए हम मिला रहे हैं नमक। नमक आप स्वाद अनुसार मिलाइए, जैसा आपको स्वाद में पसंद आता हो। अब हम इसमें मिलाएंगे अजवाइन। ये मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है, इसे मैं इस तरीके से हाथों से मसल कर इसमें मिला दूंगी। ऐसा करने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर ये घी है, इसको मेल्ट किया है, तो इसमें हम लगाएंगे घी का मोवन। तो आपको आवश्यकता अनुसार घी का मोवन लगाइए, मैं आपको बताऊंगी कि कितना लगाना है। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है और इसको इस तरीके से हम रगड़ रगड़ के मिलाएंगे ताकि मोवन जो है पूरे आटे में अच्छे से मिल जाए। तो मैं लड्डू अभी हमारा फूट रहा है, तो अभी ये मोवन इसमें पर्याप्त नहीं है, तो थोड़ा हम इसमें घी और डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर से लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर सही से बनता है और नहीं फूटता है तो इसमें मोवन जो है परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से मिलाने से मोवन जो है पूरे आटे में अच्छे से मिल जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं लड्डू बनाकर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक लड्डू बनाकर देख रही हूँ। देखिए, अच्छे से लड्डू बन गया है, फूट नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें मोवन जो है परफेक्ट है। तो आप इसी हिसाब से अपने मोवन लगाइए। और अब हम इसको गूंदेंगे। तो आप जिस पानी से इस आटे को गूंदें, वो गर्म या ठंडा कैसा भी ना हो, आप नॉर्मल पानी लीजिए रूम टेम्परेचर का, और इसे धीरे धीरे इस तरीके से डालकर आपको थोड़ा सा टाइट डो लगा के रेडी करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और इसको ज़्यादा टाइट भी मत करिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डो लगा के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना मैंने इसको टाइट रखा है। इसी तरीके से आप डो लगा के रेडी करिए, आप जितना कि हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट इस तरीके से आप डो लगा लीजिए। ये देखिए चटक सा रहा है, बस इसी तरीके से आपको डो लगाना है। और फिर इसको डो को हम एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए रख देंगे रेस्ट पर। आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। और ये देखिए, पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से भी ये बच गया है। तो ये देखिए, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, मैंने आटे को मसल लिया है, अब इसके छोटे छोटे इस तरीके से पार्ट कर लेंगे और इनको लोइयां बना लेंगे, जिस और लोइयों को हम अच्छा स्मूथ कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप चाहे तो छोटी बड़ी लोइयां ले सकते हैं, इतनी ही क्वांटिटी की ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डो का ये एक लोई जितना पार्ट लिया है और इसको इस तरीके से मैं लोई बना रही हूँ। और इसको मैं इस तरीके से, ये जो मेरे किचन का प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि हम इसको बिना बेले बनाएंगे। तो इस तरीके से गोल गोल घुमा के लंबा कर लेंगे। और आप चाहें तो चकला भी ले सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको लंबाई में स्प्रेड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये थोड़ी सी चपटी हो जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको चाकू से कट करेंगे तो एजेस हम निकाल देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। तो डो का पार्ट मैंने बोला था आपको, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ी सी लंबी स्टिक्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ छोटी छोटी स्टिक्स बना रही हूँ। ये देखिए, हमें इसे बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, हमारी जो स्टिक्स हैं वो बनके एकदम से रेडी हो गई हैं। स्टिक्स का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, एजेस हमने निकाल दिए हैं। और ये देखिए, हमारी जो मठरी है ना, बनके एकदम से तैयार है।
तो इसी तरीके से मैं बाकी के जो डो है उसकी भी मठरी बना लूँगी। आप देख ही सकते हैं, ये देखिए लेयर्स इसमें अभी से समझ में आ रही हैं। और अगर आपने डो थोड़ा सा अगर आप ढीला रखेंगे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलकर नहीं आएंगी और कड़ी हो जाएंगी, खसखस नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी जो सारी मठरी है बना करके रेडी कर ली हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं। और अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो ये हम फ्राई करने में भी एक साथ डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ऑयल है वो हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल आप बहुत ज़्यादा हीट ना करें, मीडियम हीट रखें ऑयल की। और जब आप इनको फ्राई करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और इस तरीके से आप इन्हें डाल दीजिए, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो हम इन्हें धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करेंगे। चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये एक ही तरफ सिकेंगी और एक ही तरफ कलर डार्क हो जाएगा और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएंगी। तो इन्हें हमें स्लो फ्लेम पर तब तक सेंकना है जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाती, इनकी सारी लेयर्स दिखने नहीं लग जाते, तब तक हम इन्हें धीमी आंच पर ही सेंकेंगे। तो ये देखिए सिकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इन्हें कंटिन्यूसली धीरे धीरे चलाते हुए सेंक रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं और लेयर्स भी आप देख ही सकते हैं, एकदम से देखिए आप निकल के आ रहे हैं, आपको पैन में नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए अब ये परफेक्टली फूल के एकदम से रेडी हैं। अब आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और मीडियम टू लो आंच पर इनको आप कलर आने दीजिए। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से सेंक लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल गई हैं, लेयर्स भी समझ में आ रही हैं। तो आप गैस का फ्लेम हाई मत करिए, मीडियम टू स्लो रखिए और उसी पर आप इनको कलर आने दीजिए। तो हमारी ये मठरी सिक के एकदम से रेडी हैं। मैं इसे दूसरी करछी में निकाले ले रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पैन में ही निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब हमने जो मठरी सेंक ली है, जब हम दूसरा बैच सेंकेंगे तो इस तेल को ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हीट है, हमने गैस का फ्लेम मीडियम किया था। तो ये देखिए मठरी हमारी सिककर रेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची खस्ता बनी हुई है, आप देखिए कितनी अच्छी फूली है। तो चलिए मैं इसी तरीके से अपने बाकी के और बैचेस भी सेक कर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपना दूसरा बैच भी डाल दिया है सिकने के लिए, जिसे भी मैं धीरे धीरे इस तरीके से चलाते हुए सेक लूँगी स्लो फ्लेम पर, फ्लेम को मीडियम करके अच्छा सा कलर आने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी मठरी जो है सेक कर रेडी कर ली है। ये पूरी तरीके से गेहूं के आटे से बनकर तैयार है, हमने थोड़ी सी सूजी डाली है थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए। और आप देख ही सकते होंगे कितनी अच्छी फूली है, हमने साइज में इतनी मोटी नहीं काटी थी और बहुत ही अच्छी फूल कर बनकर तैयार हुई हैं। चलिए मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए अंदर से आप देख ही सकते होंगे, आपको लेयर्स समझ में आ रही होगी। तो अंदर से ये बहुत ही अच्छी फूली हैं और ये खस्ता भी हैं और क्रिस्पी भी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस बार होली पर आप मेरे तरीके से इन मठरी को ज़रूर बनाइए गेहूं के आटे से, ये मैदा से नहीं बनी है, गेहूं के आटे से बनी है तो हेल्दी भी है। तो ये देखिए मैं आपको, चाहे आप कोई सी भी तोड़कर देख लीजिए, सारी ही बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी फूली है और लेयर्स एकदम से दिख रही हैं आपको। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।